बरगंडा पावर हाउस के समीप गुरुवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा आयोजित इस शिविर की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान 13 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। मौके पर प्रदीप जैन, अंकित जैन, वाइस चेयरमैन रोटेरियन डॉक्टर तारकनाथ देव, मनोज जालान एसपी बगड़िया, प्रदीप डोकानिया, दिनेश खेतान, सुनील मोदी आदि लोग मौजूद थे। वहीं महिलाओं में अध्यक्ष तुलिका सरावगी, सुमन गौरी सरिया, सुषमा जैन, माला डोकानिया, कविता रसगड़िया, नम्रता केडिया, सरिता अग्रवाल, अनीता बगड़िया सहित कई लोग मौके पर मौजूद थी। मैं तुलिका सरावगी, गिरिडीह शाखा अध्यक्ष, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रक्तदान शिविर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन गिरिडीह शाखा द्वारा प्रायोजित है। 2 साल का एक अध्यक्ष का सत्र होता है। हमारे सत्र में 3 बार हो चुके हैं, ये चौथा कोशिश आज हमने करवाया है। हर 6 महीने में मैं करवाती हूँ और आगे बढ़ बढ़ के मैंने तो अभी 2 दिन के अंदर में 300 फ़ोन किया ताकि लोग प्रेरित हों और रक्तदान के लिए आएँ। रक्तदान महादान है, इसके समान कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि ये जीवन देता है और जो डोनर्स हैं उसके शरीर के लिए बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो रक्तदान सभी को करना चाहिए। कई लोग हिचकते हैं कि दर्द होगा, मुझे भी डर लगता है सुई से, लेकिन मैं भी 4थी बार आज दूंगी। मैं पास कर चुकी हूँ, मेरा 13 आ चुका है होमोग्लोबिन। तो मैं सभी को बोलती हूँ कि आइए रक्तदान कीजिए और एक अमूल्य जीवन जो बहुत बड़ा दान है उसे बचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कविता राजविरिया आज ब्लड डोनेशन के लिए आई हुई हूँ। मैं खुद भी देने जा रही हूँ ब्लड डोनेट। ब्लड डोनेशन से क्या होता है, अपने बॉडी के जितने भी बॉडी में खून है वो प्यूरिफाई होता है। हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान से हमारा महत्व बढ़ता है और जिसको ज़रूरत है रक्तदान की उसे हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए।